मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने स्रोतों द्वारा आपको यूपीपीसीएस 2017 में पदों की संख्या बढ़ने के बारे में सूचित किया था, वह बात धीरे धीरे सामने आने लगी है। आप देख रहे होंगे हर जगह अखबारों में और तमाम यूट्यूब चैनल अब दिखा रहे हैं वो सब। तो क्या स्थिति सामने आ रही यूपीपीसीएस ने? हालांकि यूपीपीएससी ने आधिकारिक तौर पर सीटों की निश्चित संख्या तो बताने से मना किया है, क्योंकि उनका कहना है कि चूंकि अभी कई रिकमेंडेशंस पदों की आ चुकी है, कई नई रिकमेंडेशंस आई हैं और अगले कुछ दिनों में और भी संख्या बढ़ सकती है, तो जब तक स्वीकृति सबको नहीं मिल जाती तब तक निश्चित रूप से सीटों की संख्या बताना काफी कठिन है। ठीक है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह बात अब साबित हो चुकी है कि सीटों की संख्या इस बार यूपीपीसीएस 2017 में बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। काफी मात्रा में सीटें दोस्तों बढ़ रही हैं, एकदम तय हो चुका है ये। अभी फिलहाल लगभग 543 पदों को भरने की स्वीकृति मिल चुकी है। ऑलरेडी यूपीपीएससी ने 543 पदों को स्वीकृति दे दी है और मैंने आपसे पूरी रिकमेंडेशन पोस्ट वाइज कितनी बढ़नी है ये बताया था अपने एक वीडियो में, और बताया था कि लगभग 750 के करीब पद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात सही तो हो ही रही है दोस्तों, लेकिन आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें 370 जो बीडीओ की पोस्ट बढ़नी है उस बारे में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इन पदों के आने के बारे में सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि ये पद जुड़ जाते हैं, जैसा कि प्रबल संभावना है इनको जुड़ने की, बस स्वीकृति मिलना बाकी रह गया है, तो सीटें लगभग दोस्तों 900 से 1000 तक पहुंच जाएंगे। ऐसा होने पर कटाव तो कम होना ही है, ज्यादा नहीं तो 3-4% अर्थात लगभग 5 नंबर तक नीचे आ सकता है कटाव। अतः जिनके कुछ कम अंक रह गए हैं वो निराश नहीं हो दोस्तों, उनको भी मौका मिल सकता है मेंस लिखने का। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आंसर की उत्तर के यानी कब आएगा उत्तर कुंजी, ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा। तो दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि अभी ओएमआर सीटों की स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, बीते दिन छुट्टियों के कारण जो छुट्टियां दीपावली दशहरा की पड़ गई, काम लगभग ठप हो गया था आयोग का, वो फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा पिछले जो एग्जाम हुए थे यूपीपीसीएस का, वो लोअर का और मेंस, ये यूपीपीसीएस मेंस का 2016 का जो एग्जाम हुआ है उसका परिणाम भी घोषित करने की तैयारी हो रही है। अतः जो आंसर की है उसमें थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में, लगभग नवंबर लास्ट में इसके आने की पूरी संभावना है, वो आ जाएगी तब तक। हाँ, तो दोस्तों आप तैयार रहिएगा। जो हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था कुल 12-13 प्रश्नों का, कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। जो भी हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास मैटर्स हैं, अगर आयोग गलत आंसर देता है, ठीक है, हमसे अलग देता है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो जब आंसर की आएगी तो उस पर हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। प्री का रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक ही आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि चैलेंज होगा, उसके बाद फिर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसके बाद तो थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें अंतिम सप्ताह तक ही आ पाएगा। मुख्य परीक्षा दोस्तों फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित हो चुकी है। फरवरी के तीसरे सप्ताह में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है, बहुत जल्द उसका कार्यक्रम भी घोषित हो जाएगा, आप आयोग की वेबसाइट पे देख लीजिएगा। और दोस्तों कट ऑफ के बारे में और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था अपने सर्वे में, लगभग उसी के इर्द गिर्द होगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इतनी सीटें, बहुत दिन बाद इतनी सीटें आई हैं, या यूं कहूं कि शायद लगभग अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें यूपीपीसीएस की इस बार आने वाली दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अन्य कोई जानकारी लेनी हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूं। ठीक है, धन्यवाद।